Hi guys, it's me Ria and welcome back to my channel. So in today's video, I am going to be sharing with you all my current favorite compacts. So if you're interested in knowing which those ones are, then please continue watching. Okay guys, so I have like a couple of compacts that I really like using. So isme ekdam hi jaise you know like translucent type ke just setting karne ke liye compacts bhi hai, as well as there are powder foundations also. So first I'm just going to start with the basic setting powder compacts that I have. So the first compact is this one by Rimmel. This is their Stay Matte Powder in the shade 001 Transparent. Now this basically is just for setting your foundation or concealer. It does not have any pigment whatsoever. Matlab bilkul bhi aapko iske saath coverage nahi milega. So it is just used to mattify your foundation and basically to set your foundation and concealer. So this is how it looks like, and I'm just going to like apply and show you. So see, it just nicely you know blends into your skin without giving any kind of pigment. अच्छे से वो mattify कर देगा. तो if you have like थोड़ा सा you know you want to set your foundation or your concealer, this is definitely a must have for you, because ये बिल्कुल cakey नहीं लगता है, बहुत finely milled है. So it बहुत nicely it you know अच्छे से वो set कर देता है आपका foundation and concealer, and also it does not crease. मतलब because it is so finely milled, बिल्कुल भी क्रीज नहीं होता है. आई हैव ट्राइड यूजिंग दिस इन माई अंडर आई एरिया एंड इट वर्क्स ब्यूटिफुली. सो या दिस इज माई फर्स्ट रिकमेंडेशन. द नेक्स्ट कॉम्पैक्ट इज दिस न्यू लॉन्च बाई नाइका. दिस इज देयर ऑल डे मैट कॉम्पैक्ट पाउडर. ये मैंने एक्चुअली 04 सैंड शेड में लिया था. तो जब ये आया था आई वॉज थोड़ा सा लाइक अपसेट, बिकॉज ये है ना शेड मेरे स्किन टोन से लाइट है, काफ़ी लाइट है. तो मुझे तभी लगा था यार मैंने कौन सा गलत शेड ले लिया. बट टू बी ऑनेस्ट, व्हेन आई स्वॉच्ड दिस एंड व्हेन आई अप्लाइड इट ऑन माय फेस, आई वाज प्रीटी हैप्पी, बिकॉज इसमें बिल्कुल भी पिगमेंट ही नहीं है. मतलब मेरे को लगा था ये थोड़ा सा वियर्ड दिखेगा, लाइट दिखेगा, वैसा कुछ होगा, बट इसमें बेसिकली पिगमेंट ही नहीं है. तो आई कैन ईजिली यूज दिस टू यू नो सेट माई मेकअप ईजिली. आई जस्ट शो यू. सी, ये मेरा हाथ है, ठीक है, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई दिस. सी, तो इसमें देखो बेसिकली बिल्कुल भी पिगमेंट नहीं है. तो इवन दो दिस इज लाइक लाइटर देन माय स्किन टोन, बहुत लाइट है, बट स्टिल आई एम एबल टू यूज इट जस्ट टू सेट माय मेकअप. टू सेट माय मेकअप इट इज नाइस. मतलब आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड प्रोडक्ट, बहुत अच्छा है. बट जो उन लोग ने बोला था दैट इट गिव्स लाइक अ मीडियम कवरेज, बिल्कुल भी नहीं, लाइट कवरेज तक भी नहीं देता ये. बट इट्स अ गुड कॉम्पैक्ट, अफोर्डेबल है, अच्छा है, जस्ट टू सेट योर मेकअप, मतलब जस्ट टू सेट योर फाउंडेशन बेसिकली. सो दिस वन एंड द रिमेल वन यू नो वर्क प्रीटी सिमिलर. सो इफ यू आर लुकिंग आउट फॉर कॉम्पैक्ट जस्ट टू सेट योर मेकअप विच डज नॉट हैव एनी एक्स्ट्रा पिगमेंट इन इट, देन दीज टू आर वेरी गुड फॉर यू. सो द रिमेल वन इज प्राइज्ड एट 450 एंड द नाइका वन इज प्राइज्ड एट 225. सो इफ यू वॉन्ट ईदर जस्ट वन ऑफ देम, आई थिंक द नाइका वन वर्क्स प्रीटी वेल. डजेंट मैटर वॉट शेड यू आर, बिकॉज पिगमेंट है ही नहीं बिल्कुल इसमें. बट या इट रियली वर्क्स वेल जस्ट टू सेट योर मेकअप. द नेक्स्ट कॉम्पैक्ट इज दिस वन बाय मेबलिन फिट मी एंड दिस इज देयर मैट एंड पोरलेस. आई एम इन द शेड 310 सन बेज. सो दिस वन रिटेल्स फॉर 480 रुपीज एंड आई रियली लाइक दिस कॉम्पैक्ट. इट्स अ वेरी नाइस बेसिक कॉम्पैक्ट. इट डज हैव अ स्लाइट कवरेज ऑल्सो. तो इट वर्क्स परफेक्टली ऑन डेज यू नो जब आप कहीं जा रहे हो, बस यू नो कोई शॉप में जा रहे हो या वहां जा रहे हो एंड यू जस्ट वॉन्ट अ स्लाइट कवरेज एंड थोड़ा सा मैटिफाई स्किन. तो दिस वर्क्स रियली वेल ऑन दोज डेज. ऑल्सो वेन यू अप्लाई दिस ना, तो इट जस्ट गिव्स यू अ नाइस एक अच्छा सा शीन रहता है आपके फेस पे, एक हेल्दी शीन रहता है. दैट आई रियली लाइक अबाउट दिस कॉम्पैक्ट. दिस वर्क्स इक्वली वेल ओवर योर फाउंडेशंस. इट विल नॉट मेक इट लुक केकी और यू नो हैवी, बिकॉज इट इज वेरी वेरी फाइनली मिल्ड. सो दिस वर्क्स रियली वेल जस्ट ऑन इट्स ओन, और इफ यू वॉन्ट टू अप्लाई इट ऑन टॉप ऑफ योर फाउंडेशन ऑल्सो तो भी
बहुत अच्छा है, बहुत फाइनली मिल रहा है एंड या आई विल हाईली रिकमेंड दिस एज वेल. नाउ कमिंग ऑन टू पाउडर फाउंडेशंस, सो आई हैव थ्री ऑफ देम एंड आई बेसिकली लाइक यूजिंग पाउडर फाउंडेशंस स्पेशली ड्यूरिंग समर टाइम बिकॉज समर में वो जो लिक्विड फाउंडेशंस एंड स्टिक फाउंडेशंस दे बिकम लाइक वेरी ग्रीजी एंड बिकॉज आई स्वेट अ लॉट, मतलब मुझे इतनी ज्यादा स्वेटिंग होती है ना ऑन नॉर्मल डेज ऑल्सो, तो समर में तो पूछो ही मत, बहुत हद से ज्यादा स्वेटिंग होती है. तो समर टाइम में आई लाइक यूजिंग पाउडर फाउंडेशंस एंड द वन that I would highly recommend you to try out is the Lakme 925 primer plus matte powder foundation aur mera shade isme hai honey dew. This one retails for 575 rupees but it is such a beautiful powder foundation. Matlab this is the first time कोई भी लैक्मे का प्रोडक्ट मैंने इतनी बार रीपर्चेज किया है. दिस इज आई थिंक आई हैव लॉस्ट काउंट ऑफ हाउ मेनी टाइम्स आई हैव रीपर्चेज दिस बिकॉज इट इज सो डैम गुड. इवन अगर आप इसको देखोगे तो आई हैव ऑलरेडी हिट पैन ऑन दिस वन ऑल्सो. बहुत अमेजिंग है, इतना ब्यूटिफुल मैट फिनिश देता है एंड ऑल्सो इट हैज अ गुड कवरेज, मतलब ऑलमोस्ट मीडियम कवरेज देता है ये फाउंडेशन. आई हैव डन अ सेपरेट वीडियो ऑल्सो ऑन दिस बट वो वीडियो का है ना लाइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ है तो बट मैंने अभी एक रिसेंट और एक वीडियो किया था वेर आई हैव जस्ट यूज दिस फॉर सेटिंग माई अंडर आई एरिया, तो वो मैं आपको यहाँ पे लिंक कर दूंगी इनकेस यू वॉन्ट टू सी इट हाउ इट वर्क ऑन माई स्किन. तो इफ यू आस्क मी टू बाई जस्ट वन पाउडर फाउंडेशन आई वुड से दिस बिकॉज इट्स अफोर्डेबल, सिर्फ 575 रुपीज का है, इट गिव्स यू अ डिसेंट मीडियम कवरेज, अमेजिंग है इवन फॉर योर सेटिंग योर अंडर आई एरिया, डज नॉट क्रीज एट ऑल, गिव्स यू गुड कवरेज एंड इज अफोर्डेबल, मतलब और आपको क्या चाहिए. सो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप ये जरूर बाय करिए एंड स्पेशली इफ यू आर सिमिलर टू माई स्किन टोन देन द शेड हनी ड्यू वर्क्स ब्यूटिफुली बिकॉज इट हैज द करेक्ट लाइक यू नो वार्म अंडरटोन है, येलोनेस भी है थोड़ा सा उसमें, तो इट वर्क्स रियली वेल फॉर माई स्किन टोन. अभी भी मैंने दिस आई हैव जस्ट वर्न दिस ओनली ओवर माई स्किन, मैंने कोई फाउंडेशन नहीं लगाया है, आई हैव जस्ट यू नो अप्लाइड अ बिट ऑफ कंसीलर एलिगल प्रो कंसीलर जहां पे भी मुझे थोड़े से दाग है एंड आई हैव सेट माई एंटायर फेस यूजिंग दिस एंड लाइक यू कैन सी इट जस्ट गिव्स अ ब्यूटिफुल कवरेज एंड आई रियली वुड हाईली रिकमेंड यू टू ट्राई दिस आउट. सो पाउडर फाउंडेशन की बात हो और मैक का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है, सो डेफिनेटली आई हैड टू इंक्लूड दिस इन दिस वीडियो. सो दिस इज द क्लासिक स्टूडियो फिक्स पाउडर फाउंडेशन बाय मैक एंड आई एम इन द शेड NC42. लाइक यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी हिट पैन ऑन दिस बिग टाइम. सो दिस वर्क्स अमेजिंगली वेल फॉर यू नो हाइडिंग ऑल योर इम्परफेक्शंस. इट हैज़ अ वेरी वेरी गुड कवरेज, मतलब ऑलमोस्ट इट्स अबाउट अ मीडियम कवरेज पाउडर फाउंडेशन एंड इट वर्क्स रियली वेल ऑन इट्स ओन ऑल्सो. बस थोड़ा सा आप कंसीलर लगा लो इन योर अंडर आई एरिया एंड जस्ट सेट योर एंटायर फेस यूजिंग दिस, तो भी ऐसा लगेगा कि आपने लिटरली यू नो प्रॉपर फाउंडेशन लगाया हुआ है, इसका कवरेज इतना अमेजिंग है. ऑब्वियसली ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, आई वोंट डिनाई दैट काफी एक्सपेंसिव है, बट इफ देयर इज जस्ट वन प्रोडक्ट फ्रॉम मैक, कि अगर आप मुझे बोलो कि मैं बस एक ही प्रोडक्ट लूं मैक से, तो मैं बोलूंगी कि आप ये डेफिनेटली ट्राई कीजिए, बहुत अमेजिंग है, आई एम श्योर यू विल नेवर रिग्रेट दिस. बट इसका एक मुझे आपको बोलना पड़ेगा, व्हेन यू अप्लाई इट ना, तो बिकॉज इट हैज अ वेरी गुड कवरेज तो थोड़ा सा वो ना पाउडरी दिख सकता है इफ यू अप्लाई टू मच, बट इन ऑर्डर टू सेट इट ना आप वो जो अपना मैक फिक्स प्लस लो, स्प्रेड ऑल ओवर योर फेस, तो बिल्कुल ऐसा लगेगा दैट यू हैव लिटरली अप्लाइड अ फुल कवरेज का फाउंडेशन, इतना अच्छा इफेक्ट इसका आता है. सो डेफिनेटली इफ यू डू हैव द बजट एंड इफ यू आर लुकिंग आउट फॉर अ गुड पाउडर फाउंडेशन देन दिस इज डेफिनेटली द वन फॉर यू. एंड द लास्ट एंड फाइनल कॉम्पैक्ट इज दिस वन बाई टू फेस, दिस इज देयर टू फेस्ड बॉर्न दिस वे फाउंडेशन एंड मेरा शेड इसमें वार्म सैंड है. तो बेसिकली ये बहुत ही एक्सपेंसिव कॉम्पैक्ट है एंड दिस इज सपोज टू गिव यू मीडियम कवरेज विच इट डज, मतलब मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि इट डजंट गिव यू एनी कवरेज, इट डज गिव यू अ गुड कवरेज, बट मैक स्टूडियो फिक्स जैसा नहीं है, मतलब उस लेवल का नहीं लगा मुझे ये फाउंडेशन. इट इज अ नाइस फाउंडेशन, गिव्स यू मीडियम कवरेज, बट मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा ये, बट आई हैव जस्ट इंक्लूडेड इन दिस वीडियो जस्ट टू शो यू गाइज कि ये भी फाउंडेशन है, अगर आप चाहे तो इंटरेस्टेड है बाय करने में तो उसके लिए मैंने इंक्लूड किया है. बट बेसिकली इसका जो कवरेज है ना, मुझे लैक्मे
जैसा ही लगा. बोथ ऑफ दीज गिव यू मीडियम कवरेज. अच्छा होता है इसका कवरेज बट इट इज़ डेफिनेटली नॉट वर्थ द प्राइस. बेसिकली मुझे उतना खास नहीं लगा ये करके. मैं ये रेकमेंड तो नहीं करूँगी बट जस्ट आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू इन दिस वीडियो करके मैंने इंक्लूड किया हुआ है. तो इसका मैं शेड कंपेरिजन भी आपको दिखा दूँ. सो दिस इज द लैक्मे वन एंड दिस इज द टू फेस्ड वॉर्म सैंड. जैसे आप देख सकते हैं शेड ऑलमोस्ट सेम है, मतलब बहुत ही सिमिलर है. कवरेज वाइज भी दोनों बहुत इक्वली वर्क करते हैं. बट अगर आप मुझे पूछे एक चूज करने को तो लैक्मे एनी डे. सस्ता है, अच्छा काम करता है, तो इतना महंगा क्यों लेना है. सो या आई विल नॉट रिकमेंड टू फेस फॉर श्योर. सो या गाइज, दोज फॉर ऑल माई कॉम्पैक्ट्स दैट आई वॉन्टेड टू शेयर इन दिस वीडियो. आई एम गोइंग टू बी स्वॉचिंग ऑल दीज कॉम्पैक्ट्स इन माई इंस्टाग्राम रील. तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं कर रहे देन मेक श्योर यू डू फॉलो मी देयर, बिकॉज इस सबके स्वॉचेस मैं इंस्टाग्राम रील पे दिखाने वाली हूँ. So yeah, that's it for this video guys. I hope you did like this video. If you did, then please don't forget to give it a big thumbs up. And also please do subscribe to my channel if you haven't yet already. And I shall see you all in my next video. Until then, bye-bye.